गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम। तो अभी है लेह लद्दाख का दूसरा दिन, हालत बहुत ही खराब। अभी मैं सरचू में हूँ और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की कमी है, जिस वजह से पूरी रात में थोड़ा सा सर भारी भारी लग रहा है। अब हमारा टारगेट है आज करू के लिए, जो कि लेह से 40 किलोमीटर पहले है शायद। करू में हम ठहरेंगे, आज दूसरा दिन है हमारा। अभी कोशिश करेंगे जितना जल्दी यहाँ से निकलते हैं उतना बेटर रहेगा, क्योंकि सर्चों में थोड़ा ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही है। और यहाँ पर ब्रेकफास्ट आ गया, देखो ये देखिए, पराठा तो आ गया है, चाय भी आ गई है, पर मुझे थोड़ा सा गले में दर्द हो रही है। बाहर देखिए बुलेट खड़ा है, इसलिए मैंने सूप मंगाया। तो उसके बाद सूप पियेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद पैकिंग करेंगे, उसके बाद जल्द से जल्द निकलेंगे इस सरचू जगह से करू की तरफ। जी हाँ, तो बंटी आप क्या कहेंगे, आपको कैसा लगा ये सरचू प्लेस? सरचू प्लेस बढ़िया, पर क्या आज थोड़ी दिक्कत रही। नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो क्या आप चाहेंगे कि हम सरचू रुके? क्या आपका टारगेट रहेगा? सोचूंगा मैं, पहले तो आना है कि नहीं। देखिए नेक्स्ट टाइम मैं तो जब भी आऊंगा ना सरचू रुकूंगा ही नहीं, सुबह आऊंगा सीधा डायरेक्ट करू में या ले जाऊंगा। ये बोले ठीक, सरचू में रुके दिक्कत है, यहाँ सांस की दिक्कत है, सांस की दिक्कत है भाई, ऑक्सीजन की दिक्कत है, दर्द लग गई, फेफड़े कमजोर हो गए। चलो अब जल्दी जल्दी यहाँ पर ब्रेकफास्ट करके निकल जाएंगे जल्द टाइम से। देखिए अभी थोड़ा सा हम क्या लगा रहे हैं, सनस्क्रीन लगा रहे, क्यों सनस्क्रीन लगा रहे हैं हम तो, क्योंकि आगे जो है धूप से जल सकता है सिस्टम। तो आज मेकअप करने की नौबत आ गई है हमारे को, पहले तो बात है कि सच से जल्दी निकल जाए, और यहाँ सांस ही नहीं आ रही है, मेकअप छोड़ो। तो पूरी पैकिंग हो गई है, ब्रेकफास्ट भी हो गया, अब थोड़ा सा फील बढ़िया हो रहा है, फीलिंग थोड़ी 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 अच्छी लग रही है। देखिए गाइस थोड़ी अब चलते हैं, देखिए टॉयलेट को निकलते हुए, जल्दी कर जल्दी यार। देखिए व्यू काफी शानदार, शानदार व्यू देख सकते हैं आप, व्यू तो मेरे तो एक नंबर है। सर चूजे निकल रहे हैं, पैकिंग हो गई, ओके, मौसम भी साफ एकदम, बुलेट भी स्टार्ट है, बस साल निकलने की जरूरी है। ओके बाय बाय। अमेजिंग अमेजिंग, राइड करने मजा ही आ रहा है जबरदस्त वाला। देखिए ब्रिज आगे है, और इस ब्रिज का नाम जो है ट्विंग ट्विंग ट्विंग, क्या बात है, ट्विंग ट्विंग ब्रिज, थोड़ा सा ऑफ रोड आता हुआ बॉर्डर क्रॉस, माय गॉड, चलिए ये सक्सेसफुली कंप्लीट। गए दीपू भाई, कैसा लगा? देखिए यहाँ पर कैसे लगा, बीच में ये तो दो बार बच गए, काफी ज्यादा धूल आ रही है एकदम से, और काफी अंदर जा रहा टायर, तो इस वजह से थोड़ा अनबैलेंस हो रहा है। बचरी वाला जो भी जगह वहाँ पर पहुंच गए, इसलिए आने, और अभी हम पहुंच गए हैं पांग में, जो कि 15,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पर आई थिंक आर्मी का बेस कैंप भी है, सबसे हाईएस्ट है आई थिंक, यहाँ पीछे लिखा हुआ था।
और यहाँ पर एक बार दिखाइए पूरी नजर, यहाँ देखिए बहुत शानदार एकदम परफेक्ट नजारा। अभी हम चल ही रहे हैं और हमारा सफर खत्म नहीं हो रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। दीपू भाई क्या हो गया? ओ दीपू भाई हालत खराब, भाई भाई की हालत खराब हो गई है पूरी तरह से, खड़े भी नहीं हो ही जा रहा है, लगता है कुछ इनको जड़ी बूटी खिलानी पड़ी है। जड़ी बूटी खाएगा तभी ठीक होगा, इससे नहीं होगा। अभी आया इधर खाना खाने, थोड़ा पेट पूछा तभी इसको आराम मिलेगा। चलो चलिए दोस्तों, यहाँ से देखिए तस्सोकार झील, राइट साइड को जाते हैं तस्सोकार झील पर हम जाएंगे सीधे, बुरी हालत हो गई है जी हाँ दोस्तों। तो अभी काफ़ी टाइम बाद अभी यहाँ पर जाके थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। अभी हम गया में पहुँचे, इससे पहले हम जब रूमसे में पहुँचे थे वहाँ से थोड़ा सा अच्छा अच्छा फील होने लगा, थोड़ी हरियाली मिल रही है अब तो रूमसे, उसके बाद ससोमा, उसके बाद अभी हम पहुँच गए गया गया विलेज में हम पहुँच गए। तो यहाँ पर थोड़ी हरियाली है देख सकते हैं, थोड़ा गांव है यहाँ पर एक अच्छा वाला और हरियाली भी बढ़िया है। अभी हम आगे बढ़ते रहेंगे, इसके बाद हमने अभी तक जाना है करू में जो अभी लगभग 40 किलोमीटर रह गया है और लेह तो अभी शायद 85 या 90 किलोमीटर बाकी, चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए गाइस एकदम से मेरी नजर गई मीटर पर, ओह माय गॉड, लकी नंबर 38 दे रही है अभी, देख नहीं रहा यार 38 की माइलेज दे रहा है। यो वाह सब कुछ हो गया, व्यू काफी बढ़िया है, अब थोड़ा सा रह गया और अब मजा भी आ रहा है, देखिए हरियाली, अभी ऑक्सीजन पूरी मिल रही है और मतलब मजा आ गया। अब मेरे को पता क्या लग रहा था भाई आगे तक ऐसा ही होगा, मतलब पूरी हालत और फेफड़े में लगी दर्द ना भूख थी, जैसे ही रूम से पहुंचा ना उसके बाद मजा आ गया, बिल्कुल बिल्कुल अब मजा आएगा, चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। देखिए गाइस तो अभी हम पहुंच गए हैं मीरू विलेज, काफी शानदार एकदम अमेजिंग व्यू बोले तो जबरदस्त, ये देखिए हरियाली। अब आएंगे हमारे पाल शूट, मतलब काफी मजा आ गया बोले तो। मैं आपको बता दूं ना, जब हम सरचू से आए तो आपको मैं क्या बता दूं कि जब हम सरचू से आए तो सरचू से लगभग 120 किलोमीटर तक, 100 से 120 किलोमीटर तक ऐसा लग रहा था कि बस आ जाऊंगा उसके बाद नहीं आऊंगा, मतलब इतनी ज़्यादा हालत ख़राब बहुत ही बुरी, मतलब खुद को मतलब ऐसा फील हो रहा था कि कितना कमज़ोर हूँ मैं, पावर ही नहीं कुछ भी, इतनी हालत ख़राब। लेकिन जैसे हम आपका इधर पहुँचे बस 10 किलोमीटर पीछे मीरू से, उसके बाद बढ़िया एनर्जी मिल गई और एकदम से रिफ्रेश हो गया भाई, रूमसू से आए बढ़िया, अब मज़ा आ रहा है राइड करने में, अब चलो आगे चलो आगे। जी दोस्तों अभी हम पहुँचे हैं उपशी और यहाँ पर जो है एंट्री करनी पड़ेगी। देखिए गाइस करू हम लगभग पहुँच गए लास्ट में जो करू है और साथ में जो यहाँ पर आर्मी का बेस कैंप, चलिए चलते। जी हाँ फाइनली हम करू में पहुँच ही गए हैं, यहाँ पर करू के साथ में ये जो आर्मी का है यहाँ पर बहुत ही बड़ा बेस कैंप, हर चीज़ के यहाँ पर अलग अलग तरह का सिस्टम है। और यहाँ पर जो हम रुके अभी, यहाँ पर क्या है कि सिम का जो मिलेगी एयरटेल जो 4G सिम जो पोस्ट पेड होती है, क्योंकि सिम का यहाँ सिग्नल नहीं है एयरटेल जियो का, तो शायद यहाँ पर पूछताछ करते हैं, पता करते हैं क्या सिस्टम है सिम का। देखिए गाइस इस बंदे ने अभी सिम ली पोस्ट पेड, क्योंकि यहाँ सिग्नल नहीं आता है, पोस्ट पेड में जो है VIP नंबर ले लिया इसने, 97 और अभी आधे घंटे तक थोड़ा सा इसका बैन हो गया, ठाकुर बाबा बैन का बैन होगी, आधे घंटे बाद सिग्नल आएगा। अभी मैं सोच रहा हूँ कौन सी लूँ, जियो की लूँ या फिर एयरटेल की, पोस्ट पेड लूँ या प्रीपेड लूँ, चलो देखते हैं। अभी ये थोड़ा बिजी है ना उसके बाद। जी हाँ दोस्तों तो अभी सिम ले ली है, बंटी ने ली है एयरटेल की सिम और मैंने ली है जियो की सिम और दोनों पोस्ट पेड है और रिचार्ज 550 की हमको सिम पड़ी और अब हम नेट चला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं नेट, कॉल भी हो जाएगी एक दूसरे को। तो अभी हम यहाँ पर करू में स्टे करेंगे,
देखते हैं हम कहाँ स्टे करेंगे और आज की वीडियो को एडिट करते हैं। अभी देखते हैं उधर चलते हैं ना, अगर टाइम लगे यहाँ पर थोड़ा सा घूमेंगे। आज की वीडियो को यहीं पर क्लोज करेंगे, बाय बाय। ये दूसरा दिन आज भी खत्म होने जा रहा है और आज का दूसरे दिन का जो टाइटल है ना, वो दूसरे दिन का टाइटल है कभी खुशी कभी गम। बीच में जो है 100 किलोमीटर ऐसी हालत हो गई थी कि मर गए थे, उसके बाद आगे जो 50 किलोमीटर में जो मजा आया ना, बोले तो फिर से एकदम रिफ्रेश हो गए। ओके बाय बाय। देखिएगा इस करू में हम पहुंच गए और यहाँ से देखिए ये वाला जो रास्ता है ऊपर को, ये जाएगा आपका पेंगोंग के लिए जो हम कल सुबह जाएंगे, और यहाँ से ले के लिए हम यहाँ से पेंगोंग के लिए निकलेंगे। अभी यहाँ पर रूम लिया हुआ हमने, यहाँ जी देखिए हमने इधर रूम लिया है। यहाँ पर आ सकते हैं के होम स्टे, जब भी आप आएंगे करू में के होम स्टे में आप रुक सकते हैं। तो अभी हम अंदर सामान रखेंगे, उसके बाद दिखाते हैं आपको। यहाँ दोस्तों शक्ल देखो कैसी बुरी आती है। तो अभी जो है कि हमने रूम में जो है बैग वुक सारा पैक कर लिया है, लेकिन अभी हम हिकी मोनेस्ट्री यहाँ पर है उसको देखने जाएंगे, उसके बाद वापस आएंगे। रूम में हमने सामान रख लिया, फिर डिनर रूम आपको बाद में दिखाएंगे, अभी ऊपर घूम के आते हैं। और यहाँ से हम जाएंगे हिमिस गोम्पा, हिमिस मोनेस्ट्री। देखिए उधर, और गाइस व्यू चेक करो आप एक बार, पूरा व्यू ये मिलिट्री का है सारा, ये वहां से उधर तक। गाइस ये वाला जो है ना, ये मेरे ख्याल से कोई नहीं गया होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे, मैं और दीपू भाई, बहुत ही मोनेस्ट्री है हिमिस, बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ये रोड देखिए, रोड ही देखिए आप कितना लंबा रोड है। यहाँ दोस्तों हम करू में रुके हैं, लेकिन यहाँ पर करू के थोड़ा सा दूर यहाँ पर जो ये देखिए मोनेस्ट्री है, इसका नाम है हिमिस मोनेस्ट्री। तो इसको देखने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, बहुत ही शानदार एकदम, बोले तो जबरदस्त। गाइस यहाँ पर देखिए क्रिकेट भी खेल रहे हैं, हम क्रिकेट भी खेल सकते हैं, हम उधर रहे हैं वहाँ पर, ये हमारा रूम है। तो भी जा रहे हैं हम यहाँ ऊपर, और मैं इसका कैमरामैन, मेरी पत्नी कब बनाएगा। दोस्तों तो फाइनली हम पहुंच गए रूम में, ये देखिए वीआईपी रूम मिल गया आपको, और एकदम यहाँ पर नहाने के लिए भी बढ़िया सिस्टम। ओके तो यहाँ पर हम पूरी तरह से रिलैक्स हो गए, कल जाएंगे पेंगोंग लेक। कपड़े तो आज की वीडियो का जो दूसरा पार्ट है, दूसरे दिन का, इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। कल मिलेंगे तीसरे थर्ड डे, सेकंड डे जो है कंप्लीट हो गया यहाँ पर। गुड नाइट, बाय बाय।